हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों, पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है 3 से 4 नए अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन की जो है रेल रोको आंदोलन है उस पर लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन का रेल रोको आंदोलन पर क्या चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो दूसरा अपडेट होगा वो होगा हमारा ORP 3 की जो है टेबल जारी होना शुरू हो गई है कि ORP 1 रैंक 1 पेंशन जो 3 वाला उसमें सिपाही, नायक, हवलदार इन लोगों का कितना पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है, अगर इसमें इक्वल MSP भी जोड़ दें तो उसमें कितना बढ़ोतरी होने जा रही है। तो दोस्तों अगर सिंपल ORP 3 की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है 2 से 3 हज़ार रुपये की, लेकिन अगर हम इसमें इक्वल MSP का कंपोनेंट डालते हैं तो इसमें जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, कम से कम 8 से 10 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 है उसकी विसंगतियों को लेकर एक बार फिर से जो है पूर्व सैनिकों ने जो है रेल रोको आंदोलन अलग अलग जगह पर करने का ऐलान किया था। इससे पहले बहुत सारी मीटिंग भी हुई थी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, कैसे इसकी विसंगतियों को दूर करना है। और फाइनली दोस्तों जो है और रेल रोको आंदोलन की जो है इनिशिएट किया गया था, लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 का जो रेल रोको आंदोलन है वो स्थगित करना पड़ा है। और अब आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा इसके लिए जो पूर्व सैनिक संगठन है एक बार फिर से विचार विमर्श करेंगे और इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है उसके बारे में होगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जहां पे एक बहुत बड़ा फैसला है, जहां पे 1 नेशन और 1 पेंशन, एक चल रहा था 1 रैंक 1 पेंशन वो तो हुआ नहीं, लेकिन अभी माननीय कोर्ट की तरफ से 1 नेशन और 1 पेंशन का जो है मुद्दा चल रहा है। और ये दोस्तों जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नेतागण हैं उनके लिए ये लागू किया गया है, और ये सिर्फ पंजाब में किया गया है कि अगर आप कितनी बार भी सांसद बनते हैं आपको पेंशन जो मिलेगी वो एक बार एक ही मिलेगी, आपको 5-5 पेंशन 6-6 पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर खजाने में पैसे की कमी है तो वो सबके लिए कमी होनी चाहिए। कितनी एक को जो एक तो पूरे देश में पेंशन बंद हो गया है, लेकिन अगर फिर भी दिया जा रहा है तो उसके ऊपर अपडेट है कि 1 नेशन और 1 पेंशन का कंसेप्ट है। दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे जो है सेना में जो है सहायक प्रथा उसके ऊपर जो है अब काम शुरू हो गया। इससे पहले भी दोस्तों सेना में सहायक प्रथा बंद करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई थी, लेकिन दोस्तों लगता है जो ये नया सिस्टम आया हुआ है जो कि अग्निवीर वाला नया सिस्टम है उससे जो है जो सेना में जो सहायक प्रथा वाला काम है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ काम करने जा रहे हैं 4 साल, और 4 साल में इनकी जो है पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि ये लोग जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अपना स्किल लेवल डेवलप करें, क्योंकि इनमें से सिर्फ 25% को परमानेंट करना है। तो इसका मतलब ये कि दोस्तों इनका मेन फोकस अगर ये सहायक प्रथा में चले जाते हैं तो ये कभी भी परमानेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो 4 साल मेहनत करने के बाद से इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो अपने आप को किसी तरीके से परमानेंट कर सकें। तो दोस्तों कई अग्निवीर ने जो है जो ये सहायक प्रथा वाला जो सिस्टम है उसको करने से मना कर दिया है, क्योंकि अगर तो आप परमानेंट में तब आप चाहे 10 साल 20 साल जो भी करते हैं आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। 4 साल का टेन्योर है, अगर उसमें 2-3 से 3 साल सहायक प्रथा कर दिया तो 200% चांस ये है कि उनको आगे परमानेंट का कोई स्कोप नहीं रहेगा। वो जो बाकी जो है बाकी लोग जो नहीं सहायक प्रथा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो दोस्तों एक मेजर चेंज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अग्निवीर के तो है, लेकिन जिस तरह का अग्निवीर का जो रूल्स बनाए गए उस हिसाब से दोस्तों सहायक प्रथा जो है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर क्लियर कट जो है मना किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ पूर्व सैनिकों के लिए जो है वैकेंसीज निकली है, जैसे कि हर
कहीं ना कहीं जो है पूर्व सैनिकों को डिप्लॉय किया जाता है, तो वो भी दोस्तों आप जरूर चेक करते रहें जिससे कि आपको जो है इसका अपडेट मिलता रहे। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।